संचार मंत्री सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में बीएसएनएल की मोबाइल सेवा की गुणवत्ता में होगा सुधार, श्री परमार। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में उनके संसदीय क्षेत्र में गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में मोबाइल सेवा का विस्तार और इसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। शिवपुरी जिला और उसके संचार विहीन क्षेत्र में 96 टावर लगाए जाने की योजना थी। अब तक 63 मोबाइल सेवा टावरों की स्थापना कर दी गई है, लेकिन बीएसएनएल के बढ़ते नए कदम के तहत बीटीएस टावर की संख्या बढ़ाकर 350 की जा रही है। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से इन टावरों का संस्थापन वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूर्ण हो जाएगा। उक्त उद्घाटन बीएसएनएल के प्रमुख महाप्रबंधक राधेश्याम परमार ने बीएसएनएल ऑफिस में आयोजित पत्रकार वार्ता में व्यक्त किए। पत्रकार वार्ता में मुख्य महाप्रबंधक राधेश्याम परमार ने बताया कि बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं का विस्तार संचार मंत्री सिंधिया के नेतृत्व में पूरे देश में किया जा रहा है। देश में 1 लाख नए टावर लगाए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले के सभी 1395 गांवों में बीएसएनएल की मोबाइल सेवाएं काम करेगी। संचार मंत्री के इस पहल से न केवल स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि दूरसंचार सेवाओं की पहुंच भी सुनिश्चित होगी। बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता युवाओं के सुदृढ़ भविष्य की नींव भी तैयार करेगी। इससे स्वदेशी को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री परमार ने बताया कि बीएसएनएल भारत की उच्च गुणवत्ता की तकनीक को इस्तेमाल करता है। बीएसएनएल का बिजनेस पार्टनर TCS है। बीएसएनएल स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे देश में 4G सेवाएं सफलतापूर्वक निर्बाध रूप से प्रदान कर रहा है। नवीनतम तकनीकी के माध्यम से बीएसएनएल ने संचार की गुणवत्ता और गति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। और अन्य गणमान्य नागरिक, मैं आप सब लोगों का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप यहां उपस्थित हुए। और इस पत्रकार वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो शुरू में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सरकार की या प्रशासन की या बीएसएनएल की जो नीति है उसके अंदर, जैसे हमारे अभी उद्घोषक ने कहा कि ये काल के भाल पर एक अमिट छाप छोड़ेगा, तो एक ऐसी योजना की घोषणा हुई है इस क्षेत्र के लिए, वो आप लोगों के द्वारा मैं जनता तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूरसंचार का महत्व तो आप सब लोग जानते हैं, जैसे मैं भी हम बात कर रहा था पत्रकारों लोगों के साथ में कि अब संचार को पहले हम लोग बोलते हैं कि सुबह उठने से रात के सोने तक ही हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सोने के बाद भी दूरसंचार का उपयोग होता है। मैं बताना चाहता हूं कि जब आदमी सो जाता था, आजकल वो एक डिवाइस यूज करता है हाथ के अंदर पहना हुआ, घड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, डिजिटल वॉच है, स्मार्ट वॉच है, तो आपके सोने के बाद भी वो काम करती है। आप सो रहे हैं, प्रॉपर सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, आपकी हार्ट बीट कैसी काम कर रही है, यदि रात कोई गड़बड़ होती है, आपका दिल बंद हो जाता है या ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, तो वो घड़ी मॉनिटर करके सिग्नल अपने डॉक्टर तक भेज देती है। तो टेक्नोलॉजी का एक इतना बड़ा उपयोग हमने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं था। मतलब मैं तो 30-35 साल से इसको देख रहा हूं और जिस तरीके से इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है, रियली बहुत ही अभूतपूर्व है और अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। मतलब हम उसको अपने जीवन में, मतलब अब तो हम जो जब तक जिंदा है तब तक तो रखेंगे से, हो सकता है शायद हमारे जाने के बाद भी उसका रिकॉर्ड ये लोग रखेगी टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि अब होता क्या कि टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, लेकिन हर आम आदमी तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रयास करना पड़ते हैं, और उसी प्रयास की कड़ी के अंदर हमें एक महत्वपूर्ण चीज आती है, वो है हमारी मोबाइल सेवाएं। और उस मोबाइल सेवाओं का जो बीएसएनएल के अंदर जो था, अभी फिलहाल जो उपलब्धता थी वो बहुत ही नगण्य थी। मैं यदि बताना चाहूँ तो नगण्य का मतलब कि बहुत ही कम थी। हमारे पास बीटीएस की मात्र संख्या जो थी अभी फिलहाल में 92 है, 100 से भी कम है। और माननीय मंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए और इन सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसा अभूतपूर्व घोषणा की गई है कि वो 92 से बढ़ के 350 हो जाएगी। करीब करीब 4 गुना क्षमता के साथ में इसका विस्तार किया जाएगा, और वो भी केवल एक सीमित समय के अंदर। ऐसा नहीं कि ये 4 गुना विस्तार 4 साल तक चलेगा, बिल्कुल नहीं, ये 4 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। आगे आने वाले इस वित्तीय वर्ष के मार्च 2025 तक इसको पूरा करने का हमने प्रण किया हुआ है कि ये 450-350 करीब जो हम लोग बीटीएस लगाने वाले हैं इस शिवपुरी क्षेत्र के अंदर, वो हम इसको मार्च तक पूरा कर देंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि जो सेवाएं अभी थोड़ी देर पहले कटाक्ष के रूप में या व्यंग के रूप में कहा जाता है बीएसएनएल लगता नहीं है, अब बोले केवल बीएसएनएल ही लगता है, बाकी किसी का नहीं लगता है। इस तरीके का संदेश जनता के बीच में जाएगा। अगली बात जो करना बताना चाहता हूं कि इनके विस्तार के लिए जो हम लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो निवेश करने वाले हैं बीएसएनएल, वो करीब 25 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है आने वाले इन 4-5 महीनों के अंदर।
फिर इतना बड़ा फंड का रिक्वायरमेंट, बीएसएनएल को सब लोग जानते हैं कि पुराना जो था हमारा बहुत ही उसकी क्या बोलना चाहिए स्थिति बहुत ही वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के सपोर्ट से इसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो जिसके लिए आप सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। और ये जो 4G की टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आ रहे हैं ये बिल्कुल एकदम लेटेस्ट है, जैसे हमारे उद्घोषक ने कहा जो भी कंपेयर कर रहे थे कि ये स्वदेश में निर्मित टेक्नोलॉजी है, अपने देश के इंजीनियरों के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी है। बाकी जितनी भी दूसरी कंपनियां हैं वो सारी सारी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी यूज करती हैं वो विदेशी टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, सारा का सारा उसका क्या होना चाहिए कि निवेश जो विदेशी कंपनियों के अंदर होता है, और होता यह है कि जब तक वो फायदा होता है, जब तक वो कमाती हैं, क्योंकि वो तो बिजनेस करने के लिए आती हैं, जब तक उनके बिजनेस में फायदा होता है यहाँ बिजनेस करती हैं, और जब घाटा होने लगता है तो बंद करके अपना सामान समेट के चले जाती हैं, और कभी कभी नौबत तो ये आती है वो सामान भी नहीं ले जाती है, वो सामान भी यही छोड़ जाती है। जैसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, यहाँ बिजनेस करने के लिए आई, धंधा पानी अपना किया और फिर छोड़ के चली गई। बीएसएनएल ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है, बीएसएनएल जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब है कि एकदम लेटेस्ट जो वर्ल्ड में जो अवेलेबल है वही टेक्नोलॉजी बीएसएनएल यूज कर रही है 4G की टेक्नोलॉजी। और इस 4G टेक्नोलॉजी का जो बनाने के लिए अंदर जो सहयोग हुआ है, मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ कि इसका जो मेन इक्विपमेंट है जिसको हम कोर इक्विपमेंट बोलते हैं, जो बीच का उसका बनाचित जो दिमाग है वो हमारे सीडॉट ने बनाया हुआ है, सीडॉट भारत सरकार की कंपनी है। उसके बाद में जो उसका पेरिफेरल वाला जिसमें हम रेडियो पार्ट हम लोग बोलते हैं वो हमारा जो है तेजस करके कंपनी है, जो वो भी इंडिया की कंपनी है, उसने बनाया हुआ है हमारा रेडियो नेटवर्क। और इन दोनों को मतलब उसके दिमाग को और उसके इस रेडियो नेटवर्क को मिलाने का काम जो कर रही है वो TCS कर रही है, जिसका नाम आपने सुना होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और बीच बीच में पेपर में और कहीं कहीं खबर आती है छोटी मोटी कि क्या बीएसएनएल को टाटा ने टेक ओवर कर लिया है या टाटा जो है बीएसएनएल के लिए सर्विस चलाएगा, तो मैं उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि टाटा जो है वो हमारा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, और उसके सहयोग से ये नई टेक्नोलॉजी अपने देश के अंदर लाई जा रही है। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसको हमको 5G इनेबल्ड है, 6G इनेबल्ड है, मतलब हमको मामूली से परिवर्तन से ही इसको 4G से हम लोग 6G तक लेके चले जाएंगे। और जैसे हमारे माननीय मंत्री प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि 4G और 5G जो टेक्नोलॉजी में है हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, हम उसे अभी पीछे चल रहे हैं, मतलब क्या है, मतलब हम पिछड़ रहे हैं या पीछे हैं, लेकिन 6G के अंदर हम लोग वर्ल्ड के लीडर बनेंगे। ऑलरेडी हमारे यहाँ ये 6G की टेक्नोलॉजी टेस्ट हो गई है, जो IMC हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी दिल्ली के अंदर, इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस, वहां जाके इसका टेस्टिंग हो चुका है, हमारे माननीय मंत्री जी ने वहां से टेस्ट किया हुआ है और उसको सही पाया गया है, और जल्दी इसका हम लोग इसका उपयोग करना शुरू करेंगे, हमारे सामने आने वाली है टेक्नोलॉजी। तो और ये जो टेक्नोलॉजी 6G की आ जाएगी तो हम दूसरे विदेशों के अंदर भी इसको भेजना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो जो प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लीडर बनना है, वर्ल्ड लीडर बनना है, वो जल्दी ही पूरा होने वाला है। और ये जो 4G की जो टेक्नोलॉजी है इसके एडवांटेज हम लोग बताएंगे, तो इससे एक्चुअली हम केवल शिवपुरी जनता को ऐसा एक कम्युनिकेशन का एक मीन्स नहीं दे रहे कि आप बात करो और ये करो, नहीं, वो आपका एक सुदृढ़ भविष्य भी तैयार करेगी यहाँ के लोगों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, किसी भी फील्ड के हो, स्टूडेंट होगा देखिए अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छे नंबर लाएगा, अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, तो यहाँ पे इंडस्ट्री खोलेगा, तो वो तभी संभव है जब उसकी नींव मजबूत होगी। तो ये हम उसको एक नींव एक आधार दे रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए। बिजनेसमैन हो गया, यदि अपने कोई धंधा करना है, कोई ई कॉमर्स की साइट चलानी है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो कम्युनिकेशन का अच्छा प्लेटफॉर्म उसको मिलेगा तो ई कॉमर्स की साइट कर सकता है, अपना कोई धंधा शुरू कर सकता है, तो उसको भी उसको एक आधार मिलेगा और वो भी अपने बिजनेस को ग्रो करेगा। इसी तरीके से जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उनका भी प्रोफेशन ये सर्विस के थ्रू ही बढ़ेगा, मतलब वो अपना स्किल होगा लेकिन बताएंगे कैसे दुनिया को, बताएंगे कैसे बाहर वालों को, जब तक पता नहीं होगा तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे सर। तो इसलिए उनको बताने के लिए कोई मीन्स और मीडिया तो चाहिए, तो वो उस कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म को यूज करके आज जो है कहीं भी आदमी कहीं बैठा हो सकता है, मतलब छोटा सा बिजनेसमैन भी हो, छोटा सा काम भी कर रहा हो, यदि वो इंटरनेट के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है तो